सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा रैली के बारे में क्या कहेंगे? रैली आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक विशाल जनसलाब ट्रैक्टरों के साथ, सारे के सारे किसान भाई आज मोदी जी के समर्थन में उमड़े हैं हांसी शहर में। और ये एक बात, इस बात का परिचायक है कि जो मोदी जी ने 3 कानून पास किए हैं, ये पूरे हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का किसान इन कानूनों का समर्थन करता है और पूरा का पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। सर, लेकिन जो किसानों को हम सड़कों पे देखते हैं, रैली में देखते हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं, उसका क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी उनको किसान बना करके किसान का बुरा करना चाहती है। किसान की भलाई इसमें है, जो मोदी जी ने 3 कानून पास किए हैं, उन कानूनों में ही किसान की भलाई है, उन्हीं कानूनों में ही किसान का भविष्य उज्जवल है, उन्हीं कानूनों के अनुसार ही आने वाले कुछ समय में किसान की आय दुगना करने का काम करेंगे। मान लेते हैं सर, जो सड़कों पे लोग हैं वो किसान नहीं है, विपक्ष के जो कार्यकर्ता है वो है, मान लेते हैं। लेकिन सर, बिलों के अंदर अगर बात करें तो कहीं पर भी MSP की गारंटी नहीं दी गई है, लिख के नहीं दिया गया। अगर आप पिछला कानून भी देखें तो MSP की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। मोदी जी ने संसद में, पार्लियामेंट में ये कहा है कि MSP मिलता रहेगा और मिल रहा है, तो इसलिए इसको कानूनी समझो कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो शब्द निकलता है वो कानून के बराबर होता है। सर, मुख्य दिक्कत ये है कि लिख के दे दो लोगों को, लोग कह रहे हैं कि लिख के दे दीजिए, हम घर पर चले जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज से पहले कौन सा लिखा हुआ है? इसीलिए तो मोदी जी को लेके आए थे ना, उन्होंने तो, कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस इसमें नहीं है। मोदी जी ने किसान की आय दुगने का करने का काम किया। और जो सर ठेकेदारी प्रथा जो है, इससे हम देख रहे हैं कि कोर्ट को खत्म कर दिया गया, अगर कुछ दिक्कत होती है तो, और SDM तक नहीं, SDM सबसे नजदीक का कार्य वो है, सबसे जल्दी जो सुनवाई होती है वो कोर्ट की बजाय SDM के पास होती है, इसलिए सब कोई झगड़ा होगा तो उसका निपटारा जल्दी हो जाएगा, इसलिए SDM को नियुक्त किया। SDM निष्पक्ष काम कर पाएगा सर? बिल्कुल, क्यों नहीं, निष्पक्ष काम करेगा SDM, क्यों नहीं करेगा। और कुछ कहना चाहते हैं सर? MP साहब बैठे हैं, नमस्कार सर जी। सर, क्या कहेंगे आप, जो लोग सड़कों पे हैं, बार बार कह रहे थे कि विपक्ष ने भड़काया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल विपक्ष की उसमें भूमिका तो है, लेकिन किसानों के मन में कुछ संशय है MSP के बारे में। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने आश्वासन दिया है पूरे देश को और विशेषकर किसान वर्ग को, कि जो मौजूदा व्यवस्था है ये ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन किसानों को एक और ऑप्शन अब मिली है कि वो अपने फसल की खरीद फरोख्त जो है वो खुले बाजार में भी कर सकें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में लोग इसका जो लाभ है वो अपनी नज़रों से देख पाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन सर, लोगों का एक सवाल है कि टैक्स फ्री सिस्टम होने से काला बाजारी नहीं बढ़ेगी? नहीं, काला बाजारी वगैरह के दिन पुराने हो गए, वो 1950-1960 के दशक की बातें हैं। अब हम एक सरप्लस देश हैं जहाँ तक कृषि उत्पाद का सवाल है, तो इस प्रकार की काला बाजारी का कोई संभावना नहीं है। और सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर ठेकेदार और किसान के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट को बीच से हटा दिया गया है, तो नहीं लगता सर उससे जो है, कोर्ट को बीच से हटाने का मकसद ही ये है कि जो समस्या उनके बीच में आए उसका निदान जल्दी से जल्दी किया जा सके। सिविल कोर्ट के चक्कर में यदि किसान यदि फंस जाए तो सालों साल वहाँ से फैसले नहीं निकलते, तो मेरे ख्याल से तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था में ही जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बनाया गया है इस कानून में, वो किसान के लिए हितकारी है ताकि जल्दी से जल्दी जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल किया जा सके। अगर MSP की बात करें कि विपक्ष कह रहे हैं कि MSP इससे ख़त्म हो जाएगी, आपको नहीं लगता कि सर जी अगर इतनी डिमांड हो रही है तो लिख के दे देना चाहिए विधान में? नहीं, पहले लिख के दिया हुआ है क्या? उनका कहना है कि अगर पहले नहीं था तभी तो मोदी जी को लेके उनके कहने का लोगों को भी जितना असर है उसका लगातार 2 चुनावों में उनको परिणाम मिल चुका है, तो लोगों में मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो MSP की व्यवस्था है ये यूं ही बरकरार रहेगी। विश्वास तो पूरा है सर, 2 बार बहुमत से जिताया गया है। जी बिल्कुल। एक और मेरा सवाल ये है सर कि यही व्यवस्था बिहार में भी थी 2006 में, जिसको हम मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले भाषण में इसका जिक्र किया था कि इससे बिहार के जो किसान है काफ़ी उनका उत्थान हुआ था, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे रिपोर्ट देखें तो बिहार के जो किसान है वो किसान ना रहकर मजदूर बन गए सर। यही चीज़ है जो है अमेरिका में थी 1980 में, वहाँ के किसान जो है बहुत डाउनग्रेड चले गए हैं, तो लगता नहीं सर उस चीज़ से कुछ सीख के कुछ बदलाव करना चाहिए? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हरियाणा पंजाब का बिहार से मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के
कृषि व्यवस्था का आप अमेरिका से मुकाबला कैसा कर सकते हैं? तो मोदी जी का कहना है कि यही बिल बिहार में भी लाए गए थे, मतलब कि बिहार की से जो है मंडी सिस्टम को खत्म किया गया था, तो वही चीज इंडिया में हो रही है पूरे देश। आपको ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि MSP और प्रोक्योरमेंट की जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में प्रचलित है। यही वो दो प्रदेश है जहाँ सरकार सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करती है MSP के ऊपर। तो इसका जो 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 इन कानूनों का जो सही मायने में असर देखने को मिलेगा पूरे देश में तो मिलेगा, लेकिन वो विशेष तौर पे इन दो प्रदेशों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।